दोस्तों, फिल्मी दुनिया से अभिनेत्रियों का गायब होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। अक्सर अभिनेत्रियां यहां पर आती हैं और फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद जब वो शादीशुदा हो जाती हैं तो फिल्मी दुनिया से दूर हो जाती हैं। हालांकि सभी अभिनेत्रियां ऐसा नहीं करती हैं। जिनका दबदबा फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों पर होता है वो तो यहां पर टिकी रहती हैं। खैर, आज हम एक ऐसी ही अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा और कई फिल्मों में लीड रोल करने के बाद वो अचानक फिल्मी दुनिया से दूर हो गई और फिर दर्शक भी उसे धीरे धीरे भूलते गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में मशहूर अभिनेता सलमान खान और आदित्य पंचोली जैसे कलाकारों के साथ फिल्मों में रोमांटिक किरदार निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री एकता सोहिनी की, जिन्होंने फिल्मों में लीड एक्टिंग करके अपने चाहने वालों को रोमांचित किया और फिल्मों में विलेन का रोल निभाने वाले एक मशहूर अभिनेता से शादी करने के बाद फिल्मों से दूर हो गईं। हालांकि उन्होंने अपने अभिनय करियर में बहुत ही कम फिल्मों में काम किया, जिसमें से उनकी कुछ फिल्में हिट भी हुईं। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, उनका जन्म 27 मार्च साल 1971 को मायानगरी शहर मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरा किया। हालांकि अपनी हायर एजुकेशन का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए उनके उच्च शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली एकता को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक था, लिहाजा उन्होंने बेहद ही कम उम्र से अभिनय करना शुरू कर दिया था। हालांकि सबसे पहले उन्होंने छोटे पर्दे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन जब धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगी तो उन्होंने अपने अभिनय को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का फैसला किया। छोटे पर्दे पर शानदार अभिनय करने के चलते उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में आने के लिए ढेर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने पहली ही हिंदी भाषा की फिल्म में बतौर अभिनेत्री लीड रोल में काम करने का मौका मिला। तो इस तरह उन्होंने साल 1990 में किरण वोहरा की फिल्म 16-17 से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इस समय तक वो महज 20 साल की थी। खैर, उनके अपोजिट में अरबाज अली खान विकी कुमार के रूप में दिखाई दिए। इस फिल्म को मुन्ना रिजवी द्वारा निर्देशित किया गया था। इस रोमांटिक फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया था। फिल्म में कई और कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत फिल्म बनकर रह गई और इस फिल्म से उन्हें कोई भी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। अपनी पहली फिल्म के बाद वो अपनी दूसरी फिल्म में नजर आईं, जो उसी साल रिलीज हुई थी और उसका शीर्षक है अव्वल नंबर। इस फिल्म को देवानंद द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। इसमें आमिर खान और आदित्य पंचोली दोनों ही अभिनेता मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा इन दोनों के अपोजिट नीतू पुरी और एकता सोहिनी नजर आईं। इसमें उन्होंने आरती की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि उनका वास्तविक नाम आरती ही था, लेकिन देवानंद के कहने पर उन्होंने अपना स्क्रीन नाम एकता रख लिया था। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई और एकता को भी इस फिल्म के जरिए एक नई पहचान मिली। हालांकि अभी भी वो 90 के दशक की बाकी अभिनेत्रियों के मुकाबले कुछ नहीं थी, इसलिए वो फिल्मों में लगातार शानदार अभिनय करने का प्रयास कर रही थी। इस फिल्म के बाद उसी साल 1990 में ही उनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई, जिसका शीर्षक था पाप की कमाई, जिसमें कई कलाकार दिखाई दिए जैसे मिथुन चक्रवर्ती, कुणाल गोस्वामी, संगीता बिजलानी, शिल्पा सिरोडकर और शालू यादव के रूप में खुद एकता सोहिनी। इसके अलावा फिल्म में प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, पुनीत इस्सर और टॉम अल्टर जैसे कई कलाकारों ने शानदार अभिनय किया था। अश्विनी कुमार और देवा के रूप में मिथुन ने इसमें दोहरी भूमिका निभाई थी। फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आए। हालांकि फिल्म को दर्शकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इस फिल्म से एकता को दर्शकों के बीच और भी लोकप्रियता प्राप्त हुई। दोस्तों, एक साल में ही अपनी 3 बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करने के बाद उन्हें दर्शकों के बीच थोड़ी बहुत पहचान मिली, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और साल 1991 में बैक टू बैक 5 फिल्मों में अभिनय करके वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुईं। उनके 5 फिल्मों के शीर्षक हैं फतेह, नामचीन, हफ्ताबंद, साजन और खतरा, जिसमें से फतेह और हफ्ताबंद बॉक्स ऑफिस पर औसत रहीं, जबकि फिल्म साजन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे लॉरेंस डिसूजा द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में दिखाई दिए, जबकि एकता सोहिनी मेनका के रूप में दिखाई दी। वहीं पर इस फिल्म में रीमा लागू, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, दिनेश हिंगू जैसे कई अन्य कलाकार एक सहायक भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म में अमन के किरदार यानी कि अभिनेता संजय दत्त की जगह पर सबसे पहले आमिर खान को फिल्म में अभिनय करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि इस रोल के लिए वो परफेक्ट नहीं है और उन्हें ये रोल शूट नहीं करेगा। खैर, सभी किरदारों ने काफी अच्छा अभिनय किया था और जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो फिल्म ने धमाल मचा दिया। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया। फिल्म के गाने भी लोगों को काफी पसंद आए, खासकर मेरा दिल भी कितना पागल है दर्शकों की जुबान पर आज भी रहता है।
उस साल की ये सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म से एकता दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई और उन्होंने अपने इस सफर को जारी रखा। उसके बाद उन्होंने वंश, तहलका, शतरंज, नजर के सामने, वास्तव, वाह, लाइफ हो तो ऐसी और अमन के फरिश्ते जैसी फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म वास्तव में उन्होंने अपने पति के अपोजिट अभिनय किया था, जिसमें संजय दत्त मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। ये फिल्म काफी हिट हुई। उन्होंने फिल्मों के अलावा कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है, जैसे मर्डर शी रोट, दिल मिल गए, इतिहास और संजीव नीटू। बॉलीवुड के पहले वो साल 1986 से लेकर 1996 तक टीवी सीरियल मर्डर शी रोट में नजर आई थी। वैसे 90 के दशक के अंत से ही वो फिल्मों से दूर हो गई थी, लेकिन साल 2016 में फिल्म अमन के रिश्ते के बाद वो फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गई। उन्होंने अपने अभिनय करियर में लगभग 20 फिल्मों में काम किया था। अपने बॉलीवुड करियर के शुरुआती दौर में उन्हें फिल्म अभिनेता मोहनीश बैल से प्यार हो गया, लिहाजा उन्होंने साल 1992 में ही उनसे विवाह कर लिया। 90 के दशक में मोहनीश बैल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने अभिनेता हुआ करते थे। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है। वो फिल्म मैंने प्यार किया से काफी लोकप्रिय हुए थे। इसके अलावा वो मशहूर अभिनेता सलमान खान के एक अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कई और बॉलीवुड फिल्मों में शानदार अभिनय किया। हालांकि अपने बॉलीवुड करियर के शुरुआती दौर में जब उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली तो उन्होंने करीब 21 फिल्मों को साइन किया, लेकिन धीरे धीरे उनके भी करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया। मोहनीश और एकता के दो बच्चे हैं, एक बेटी का नाम प्रनूतन बहल और दूसरी बेटी का नाम कृषा बहल है। प्रनूतन एक अभिनेत्री है, वहीं पर उनकी छोटी बेटी 14 साल की है जो अभी पढ़ाई कर रही है। उनकी बड़ी बेटी प्रनूतन प्रोफेशनली एक लॉयर है, लेकिन वो फिल्मी दुनिया में अभिनय करती हैं। उन्होंने साल 2019 में फिल्म नोटबुक से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि उन्हें सलमान खान ने ही लॉन्च किया था। दोस्तों, एकता के पिताजी का नाम अरुण शर्मा जबकि उनकी माता का नाम चंद्रप्रभा शर्मा है। खबरों के मुताबिक उनके पिता आर्मी में थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। फिलहाल आज के समय में वो कहां रहते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वहीं पर उनकी एक बहन है और उनका नाम सपना है, जो उनकी छोटी बहन है। हालांकि कहा जाता है कि वो भी फिल्मों में आना चाहती थी। अभिनेत्री एकता ने अपनी बहन के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मोहनीश बैल के माता पिता यानी एकता के सास ससुर का नाम नूतन और रजनीश बहल है। नूतन एक मशहूर अभिनेत्री थी जिन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जबकि रजनीश बहल एक आर्मी ऑफिसर थे। एकता सोहिनी ने अपने छोटे से अभिनय करियर में सभी का दिल जीता। हालांकि अब वो फिल्मों से दूर अपने घर गृहस्थी को संभालती हैं। आज वो 52 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन उनके लुक में अधिक बदलाव नहीं आया है। हम उन्हें इसी तरह खुश रहने और उनकी अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।